हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आर्सेनल। आज हम देखेंगे डेली एमसीक्यूज ऑन 2 दिसंबर 2019, जो कि वेरी बेनिफिशियल फॉर द सेंट्रल जॉब्स, जो कि यूपीएससी, एसएससी, पीएसयू, डिफेंस, बैंकिंग, रेलवे के लिए। पहला क्वेश्चन है फेम इंडिया फेज टू, करेक्ट स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे। सो पहला स्टेटमेंट है दिस एक्सपेंड दिस स्कीम जो है इज द एक्सपेंडेड ओके वर्जन ऑफ द प्रेजेंट स्कीम टाइटल फेम इंडिया वन, व्हिच वाज लॉन्च्ड इन द 2015। ये सही आंसर सही है, क्योंकि जो फेम इंडिया वन है ओके सो ये जो है लॉन्च हुआ था 2015 में। ये फेम टू जो है, ये जो है स्कीम, ये एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ फेम वन है। सो फेम जो है इंडिया ओके फेम इंडिया जो है इज ए पार्ट ऑफ द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री। ये भी सही है। सो सी इज द आंसर हियर। ये यहाँ पे दिया है फेम इंडिया का के बाद बारे में। सो सेलेंट फीचर्स ऑफ द फेज टू ऑफ द फेम इंडिया स्कीम जो है, ये फेम टू बोलते हैं, वाज अनाउंस इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2019, व्हिच प्रपोजेस टू गिव ए पुश टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड सिक्स टू एनकरेज अडॉप्शन ऑफ द ईवीज बाय वे ऑफ मार्केट क्रिएशन एंड डिमांड एग्रीगेशन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ओके, सो करेक्ट स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, इसमें मोर देन 80 मेंबर्स है, मेंबर नेशन से। ये करेक्ट है। इंडिया जो है लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स इन द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में। ये गलत है। ओके, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम द आउटसाइड एशिया, नहीं आउटसाइड एशिया से भी है। ठीक है, ये भी गलत है। सो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो सही है। सो यहाँ पे ए इज द आंसर दिया, वन ओनली। सो थर्ड क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय द, पब्लिक सेक्टर जो बैंक है उसका जो चेयरमैन सिलेक्टेड कहाँ से होता है ना, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया का। ठीक है, टास्क टू इम्प्रूव द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, रिकमेंडेड सिलेक्शन ऑफ द चीफ ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है फोर्थ क्वेश्चन, ये यूपीएससी में 2019 में क्वेश्चन भी आया है और एसएससी में भी एक बार आया है। ओके, विथ रिफरेंस टू द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलटीई एंड वोल्टी। ओके, सो पहले तो हमें जानना चाहिए एलटीई का फुल फॉर्म क्या है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ओके, वोल्टी क्या, वोल्टी का क्या है ना, वॉयस लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन से। ठीक है, वॉयस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है। सो एलटी जो है कॉमनली मार्क जो मार्क जो मार्केटेड है। ठीक है, एज ए 3G एंड वोल्टी इज कॉमनली मार्केटेड एज एडवांस 3G। ओके, यहाँ पे ये जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि एलटी जो है ये कॉमनली मार्केटेड एज 3G दिया है। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एलटीई भी 4G हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, एलटीई जी डाटा ओनली टेक्नोलॉजी है एंड वोल्टी जी वॉयस ओनली टेक्नोलॉजी। वोल्टी जो है वॉयस ओनली टेक्नोलॉजी नहीं रहता है, यहाँ पे वॉयस भी रहता है यहाँ पे और डाटा भी रहता है। ठीक है, ये भी रॉन्ग आंसर है। सो नाइदर वन नॉर टू, सो डी इज द आंसर है। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एलटीई एंड वोल्टी जो है ओके पहले तो फुल फॉर्म है, एलटीई स्टैंड फॉर द लॉन्ग टर्म इवोल्यूशंस। ओके, फिर जो वोल्टी स्टैंड फॉर वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, द कंज्यूमर गेट्स ओनली डाटा बैंड विथ ऑन द 4G एलटीई नेटवर्क, वेयर इज यू गेट डाटा बैंड विथ एज वेल एज कॉलिंग सर्विस इन वोल्टी। ठीक है, वोल्टी नेटवर्क। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक्स इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ओके, हियर द आंसर इज ए, हियर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इंडेक्स है, द इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स एक ये एक इंडेक्स है जो कि क्रिएटेड है
jointly by the Simon Zhenbakov and the Gerhard Fall. ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इन इंडिया स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड एन इंपॉर्टेंट फीचर्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, यहाँ पे जो आंसर है सी इज द आंसर, ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स जो है 2011. ओके, इन द फील्ड ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट एक्सटेंडेड जो है प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज स्ट्रेटेजी. ओके, द कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस इन स्वीडन. That's all.